आजकल सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। इसके जरिए लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। मार्केट में अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, जो कि स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो शुरुआत 10,000 से हो जाती है और जो कि लाखों तक जाती है। जितना महंगा फ़ोन होता है लोग उसकी उतनी ही केयर भी करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लोगों को फ़ोन में दिक्कत आने लगती है, चाहे वो फिर उनके हाथ से फिसल जाए या फिर दब जाए, जिसके कारण मोबाइल सही से काम नहीं करता। तो इस समय लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, वो है कि लोकल शॉप पर जाकर अपना फ़ोन सही करवाना। अगर किसी परेशानी के कारण आपका फ़ोन सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो आपको इसे ठीक कराने के लिए लोकल शॉप पर नहीं देना चाहिए। अब आप ये बोल रहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि लोकल शॉप पर मोबाइल ठीक कराने से फ़ोन में भविष्य में कई दिक्कतें आ सकती हैं और आपका फ़ोन आपको एक साथ कई हजारों रुपये का फटका भी लगा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसी कैसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी जब अगर आप लोकल शॉप पर फ़ोन को ठीक करवाते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले है, फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं रहता। अगर आप लोकल शॉप पर अपना फ़ोन ठीक कराते हैं तो फिर वो फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकल शॉप पर आपके फ़ोन को जुगाड़ से ओपन किया जाता है और इसी तरीके से ठीक करने के बाद भी बंद कर दिया जाता है। ऐसे में फ़ोन की पैकिंग ठीक से नहीं हो पाती है, जबकि सर्विस सेंटर पर फ़ोन को मशीन से ओपन और बंद करते हैं। साथ ही मशीन से ही फ़ोन की पैकिंग भी की जाती है, जिससे फ़ोन वाटरप्रूफ रहता है। अगला इसमें है, चार्जिंग पोर्ट खराब होने का डर रहता है। अगर आप लोकल शॉप पर मोबाइल ठीक कराते हैं तो यहाँ आपके फ़ोन का चार्जिंग पोर्ट खराब हो सकता है, क्योंकि लोकल शॉप पर जो टेक्नीशियन मौजूद होते हैं वो सही तरीके से ट्रेंड नहीं होते, जबकि कंपनी के सर्विस सेंटर पर जो टेक्नीशियन होते हैं वो इस काम को बखूबी करना जानते हैं। इसीलिए सर्विस सेंटर पर फ़ोन को नुकसान होने का खतरा भी कम रहता है। अगला, मोबाइल से डेटा चोरी होने का डर। लोकल शॉप पर जब आप अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए देते हैं तो वहाँ कोई भरोसेमंद व्यक्ति नहीं होता। ऐसे में आपका इम्पोर्टेंट डाटा मोबाइल से चोरी होने का डर रहता है, जबकि कंपनी के सर्विस सेंटर पर आप जब मोबाइल ठीक कराने के लिए देते हैं तो आपके डाटा की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। ऐसे में आप कंपनी के सर्विस सेंटर पर फ़ोन ठीक कराते हैं तो आपको कोई भी डर नहीं रहता। अगला, पैसों की बचत। जी हाँ, लोकल शॉप पर मोबाइल ठीक कराने पर आपको औने पौने दाम पर मोबाइल सही करवाना पड़ता है, जबकि कंपनी के सर्विस सेंटर पर आप मोबाइल ठीक कराते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड अमाउंट ही पे करना होता है और वो भी कंपनी के अकाउंट में जाता है। ऐसे में कंपनी के सर्विस सेंटर पर फ़ोन ठीक कराने से आपको सेटिस्फाइड काम तो मिलता ही है, साथ में पैसों की भी आपकी कहीं ना कहीं बचत होती है। इस वीडियो पर बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।